बेफालतू की बातें लाके शो को खराब कर रहे हैं। वो उनकी शादी होती है और मैं नहीं जाती, ऐसा होता ही नहीं। शेर हैं अदनान, दोस्तों के दोस्त हैं, यारों के यार हैं। निजी और उनकी जो दोस्ती है वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। बिल्कुल अब फॉलो ज़्यादा कर रही हूँ क्योंकि अदनान गए हैं एंड मेरे बहुत ही बहुत क्लोज करीबी हैं एंड नॉमिनेट हो गए हैं तो आए जस्ट होप। वैसे मुझे नहीं लगता, क्योंकि शेर हैं अदनान, दोस्तों के दोस्त हैं, यारों के यार हैं एंड मुझे नहीं लगता कि वो नॉमिनेट होके एलिमिनेट हो जाएंगे। एंड ऑल द बेस्ट अदनान का गेम अब मैं देख रही हूँ और मुझे लग रहा है अब मज़ा आ रहा है गेम में। एंड निजी और उनकी जो दोस्ती है वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। आई थिंक उसकी वजह से वो दोनों सामने आ रहे हैं, एक बहुत अच्छा लग रहा है उनकी दोस्ती देख के। एंड आई एम लाइक आई फील सो सैड अरमान और ऐसे लोग जो बाहर की बेफालतू की बातें ला के शो को ख़राब कर रहे हैं। मुझे लगता है शो में रह के आपको शो की बातें करनी चाहिए, तो आई फील सैड फॉर सच पीपल। बट ऑल द बेस्ट टू अदनान एंड आई एम श्योर वो इसमें टिके रहेंगे। आज आप पहले आकांक्षा बोल ये तो अभी से फिसल रहे हैं बोलिए। जी आई थिंक अदनान भी ऐसी बाहर की बहुत सी बातें हैं जो आई एम श्योर वो सुनना नहीं चाहेंगे, ला सकते थे शो में। बट जैसे कि अदनान है मैं उन्हें जानती हूँ, ऐसा नहीं करेंगे। उन्हें पता है वेयर टू ड्रॉ द लाइन और बहुत ही प्यार से खेलेंगे, दिल से खेलेंगे एंड बहुत रियल है एंड आई नो वो ऐसे ही रहेंगे गेम। ऐसी खबरें चल रही कि अदनान ऑलरेडी मैरिड है, वो भी नॉन मुस्लिम लड़की से, इस बात में नहीं 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 वो उनकी शादी होती है और मैं नहीं जाती, ऐसा होता ही नहीं। वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये खबरें तो बहुत सी चलती रहती हैं, खबरें हैं तो चलेंगी बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं। नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। अदनान बिल्कुल सिंगल हैं, मतलब वो मैरिड नहीं है एंड आई एम श्योर जब उनकी शादी होगी वो तो हम सबको बुलाएंगे। या चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू।